तो हम लोग MPTET के बायोलॉजी के पुराने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो ये है पार्ट टू। पार्ट वन मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है आज का, सेमी सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, सेमी सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो ये निकाला जाता है पोर्क पैनक्रिया, सुअर के अग्नाशय से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर से संबंधित क्या यहाँ पर सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब यूनिट है, अल्फा हेलिक्स और बीटा सब पीटर शीट, स्केलेटल ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर इसमें जो सही है, साइड चेन ओरिएंटेशन एंड पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, तो ब्लड क्लॉट में क्या नहीं होता। तो यहाँ पर नहीं होता डीनेचुरेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, डीनेचुरेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस नहीं होता। बाकी रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन भी होगा और कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट यूज्ड एस फ्यूमिगेशन, तो फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा केमिकल एजेंट यूज होता है, तो यहाँ पर होता है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है, तो इसमें है फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बाय बाल्टीमोर इज बेस्ड ऑन, तो वायरस का जो क्लासिफिकेशन है बाल्टीमोर के हिसाब से क्या था, तो इसका आंसर है नेचर ऑफ जीनोम एंड इट्स रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, जीनोम की प्रकृति और एवं उसकी प्रकृति प्रतिकृति युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या एंड प्रोडक्ट होंगे, तो इसमें बनता है 2 ATP 2 NAD और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, सही पेयर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही पेयर है क्लोरमपेनिकॉल है स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, तो क्लोरमपेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, बायोटिक्स है जो कि स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्लेस ऑन अर्थ ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज विच फेस द थ्रेट ऑफ हैबिट लॉस आर कॉल्ड, तो इसको कहेंगे इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द हार्मोन दैट इंक्रीज द हार्ट बीट इफ प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर है एडनील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरस आर समटाइम कॉल्ड एज वंडरिंग जीन्स बिकॉज न्यूक्लिक एसिड इज ओनली एक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस, वायरस का सक्रिय हिस्सा केवल न्यूक्लिक अम्ल है और वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो DNA या RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक हार प्लांट फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बट द प्रोसेस इज एनऑक्सीजेनिक, व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पर एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है, तो इसका आंसर है दे कैन नॉट स्प्लिट वाटर सो नो ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द मिसमैच, तो गलत की पहचान करना है, तो सर्टोली सेल न्यूट्रेटी ग्राफियन, इसका आंसर है क्रोना रेडिएटेड और स्पर्म, तो ये क्रोना रेडिएटा ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल फेस ऑफ कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिक रिवर्सल ऑफ, तो इसका आंसर है कन्वर्सन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डाइएटोमाइट, तो डाइएटोमाइट के बारे में क्या यहाँ पर गलत है, तो इसका आंसर है ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ड सेल वॉल ऑफ लाइकेन, तो डाइएटोमाइट के लिए गलत है कि लाइकेन कठोर कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है, तो ये इसका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्राइटस फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन था, तो डेट्राइटस इसका आंसर होगा, तो डेट्राइटस फूड चेन में डेड लीफ होगा, डेड लीव्स, फिर वुड
लॉस, ब्लैकबर्ड, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, कौन सा मैकेनिज्म नहीं है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर है वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन, तो इसका आंसर है रिलीज हाइलोयूरी, रिलीज हाइलोयूरिनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटल टेक्निक टू फाइंड आउट, पेरेंटल टेक्निक टू फाइंड आउट अ जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ ए फ्यूटस, फ्यूटस, तो इसका आंसर है अमीनोसिंथेसिस, अमीनोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का फीचर क्या नहीं है? तो इसका आंसर है सेल्स आर फाउंड क्लोज टुगेदर, तो कनेक्टिव टिश्यू का के लिए गलत है कि जो सेल्स हैं वो पास पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठियावाड़ी इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ इंडियन हॉर्स, तो काठियावाड़ी एक इम्पॉर्टेंट ब्रीड है इंडियन हॉर्स की, तो ये मेनली मिलती है गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज एवोल्यूशन इज कॉस्ट, तो ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन क्या है? तो एवोल्यूशन एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है, सिंगल म्यूटेशन लार्ज, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प टू दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज, तो इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बिहाइंड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, क्रोमोसोम का पार्ट जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट, अनुष शांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन वेयर इट इज सीक्रेटेड, तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ सीक्रेट होता है? तो ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से गलत कौन सा था? तो इसका आंसर है डेड सी, डेड सी में मेथनोजेंस नहीं पाए जाते, ये गलत था। प्लांट दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल्स आर कॉल्ड, तो जो प्लांट जो कि बालुई मिट्टी में उगते हैं उनको बोलते हैं सेमोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट दैट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन द वर्टिकुलर प्रेशर फॉल्स, तो ये इसका आंसर होगा बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्लैक नेक्रोसिस ऑफ यंग लीव्स एंड टर्मिनल बर्ड्स डेवलप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका आंसर होगा बोरॉन, ब्लैक नेक्रोसिस बोरॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द डोमेन दैट कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया दैट लीव्स इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर है आर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज कैरियोगैमी, तो कैरियोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड, इसमें से कौन स्टेरॉइड नहीं है? तो इसका आंसर है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन स्टेरॉइड नहीं है, बाकी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? ये सब स्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट आंसर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वाइवीपेरस, वाइवीपेरस क्या है इसमें? तो इसमें कंगारू है वाइवीपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडर्मिस आर, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडर्मिस आर, तो यहाँ पर है इसमें ट्राइकोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द जूस ऑफ सेस्वेनिया, सेस्वेनिया ग्रैंडी फ्लोरा फ्लावर इज बिलीव्ड देयर टू बी बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग आई साइट, तो इसका आंसर है, तो जो सेस्वेनिया ग्रैंडी फ्लोरा है ये फेबेसी कुल का मेम्बर है। एगारोस अ पॉलीसेक्राइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिलीडियम इज यूज्ड एज मीडियम फॉर द, तो ये होता है डीएनए खंडों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया था एगारोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन दैट सप्रेसेस द स्पर्म मोबिलिटी एंड ऑल्सो इनहेबिट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो ये है इसका आंसर कॉपर टी। बेस एनालॉग कॉसेस मिसपेयरिंग, बेस एनालॉग कॉसेस मिसपेयरिंग एंड गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन,
तो इसका आंसर था बेस एनालॉग, तो इसका आंसर था 5-methylcytosine, 5-bromo-diiodoxyuridine एंड 6-methylpurine। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फिनोमेनन बाय विच अ प्रोथैलस गिव राइज टू अ फर्न प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोगैमी, एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ द आई पीस लेंस मैग्नीफाइज 10 times व्हाट ऑब्जेक्टिव लेंस विल गिव 400x मैग्नीफिकेशन, तो इसका आंसर है 40x। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 250 thymine एंड 250 guanine बेस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज 1000। इसके बाद 78 क्वेश्चन कैंसल था। 79 के बारे में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन डिस्टिंग्यूस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो क्या इसमें से प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग करता है, तो इसमें होगा प्रेजेंस ऑफ इनसिपिएंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली के ऊपर कि इसमें से क्या सही है फ्लड मुसुक मॉडल के बारे में, तो इसके बारे में सही ये है इन इनकरेक्ट के बाद